गाइस, क्या आप भी किसी की भी लाइव लोकेशन ट्रैक करना चाहते हैं? जी हाँ, मैं आपको बता दूं, आपके व्हाट्सएप में ही एक ऐसा फीचर अवेलेबल है जिसकी सहायता से आप अपने दोस्त की, अपने किसी फैमिली मेंबर की लाइव लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं। लाइव लोकेशन का मतलब क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। लाइव लोकेशन का मतलब ये है कि अगर आपका फ्रेंड मूव करता है, सपोज थोड़ी देर पहले वो किसी एक जगह पे था और 15 मिनट बाद उसने उस जगह को स्विच करके वो दूसरी जगह पे चला गया, तो लाइव लोकेशन आपको ये फैसिलिटी देता है कि वो गूगल मैप्स पे आपको टोटली शो करता रहेगा कि आपका फ्रेंड 5 मिनट पहले कहाँ था और उसके बाद मूव करके किस रास्ते की सहायता से किस दूसरी जगह पे पहुंचा है। तो अगर आप भी अपने फ्रेंड्स का, अपने फैमिली मेंबर्स की सिक्योरिटी पर्पस पे ही सही, अगर आप उनकी लाइव लोकेशन ट्रैक करना चाहते हैं व्हाट्सएप की सहायता से, कैसे करेंगे आज के इस वीडियो में हम देख रहे हैं। अगर आपको कभी भी किसी की भी लाइव लोकेशन ट्रैक करनी है तो ट्रैक करने के लिए पहले आपको एक काम करना होगा। काम क्या करना है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ, आप इसको देख लीजिए। यहाँ पे सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको अपने व्हाट्सएप को ओपन कर लेना है। यहाँ पे मैंने अपने व्हाट्सएप को ओपन कर लिया है। व्हाट्सएप को ओपन करने के बाद आप अपने नंबर वाले पे जाके चैट पे उसको ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद आप नीचे देखेंगे अटैचमेंट फाइल पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है लोकेशन। आप लोकेशन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे लोकेशन दो तरीके से दिखाई दे रहा है। ऊपर लिखा हुआ है शेयर लाइव लोकेशन और नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है सेंड योर लोकेशन। तो करंट लोकेशन नहीं शेयर करना आपको, यहाँ पे करना क्या है आपको, शेयर लाइव लोकेशन पे क्लिक करना है। जब आप शेयर लाइव लोकेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने तीन ऑप्शंस आ रहे हैं, 15 मिनट्स, 1 आवर एंड 8 आवर्स। अगर आप अपने दोस्त की एक पूरे दिन की लाइव लोकेशन, एक कहाँ जाता है, कितनी देर कहाँ पे रहता है, ये आपको ट्रैक करना है तो इसको आप 8 आवर्स कर लीजिए और करने के बाद आपको यहाँ से इसको सेंड कर लेना है। जैसे आप इसको सेंड कर लेंगे होगा कि आपके फोन में ये लिंक आ जाएगा। इससे क्या होगा, जैसे सुबह कहीं और था आपका फ्रेंड, जब भी आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो करंट सिचुएशन में आपका फ्रेंड इस समय कहाँ है ये आपको पता चलता रहेगा। यानी अगर आपका दोस्त मूव करता रहता है तो वो लोकेशन मूव करती हुई आपको भी दिखाई देगी। और इसकी सहायता से सबसे अच्छी चीज ये है कि आप अपने फैमिली मेंबर्स की और अपने फ्रेंड्स की पूरी जानकारी रख सकते हैं कि वो आपसे झूठ बोलकर कहीं और तो नहीं जाता है। एक चीज और है, कई बार आपके दिमाग में ये आता होगा अगर सामने वाले फ्रेंड ने आपके इस पर लॉन्ग प्रेस करके इसको डिलीट कर दिया फिर क्या होगा, तो उस सिचुएशन में आप एक काम कर सकते हैं। अगर आप GBFM या यू यूज करते हैं तो आपको पहले से ही पता होगा कि GBFM यू में ये फैसिलिटी अवेलेबल है कि एंटी डिलीट मैसेजेस को हम इनेबल कर सकते हैं। कोई भी हमारा फ्रेंड अगर मैसेज करके डिलीट भी कर देता है तो हमारे लिए बना रहेगा। और अगर आप ऑफिशियल व्हाट्सएप भी यूज करते हैं तो आप इस लिंक को कॉपी करके कहीं पे पेस्ट कर सकते हैं और इसे गूगल मैप्स में जब चाहे आप ओपन कर सकते हैं। हाँ, अगर आपके किसी दोस्त ने ऐसा किया है तब आप क्या करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सो गाइज, अगर आपके फ्रेंड ने ये चीज अप्लाई कर रखी है और आपको उसको डिसेबल करना है तो इसका जस्ट उल्टा तरीका हो जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको इसी पे क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो नीचे आपको ऑटोमेटिक स्टॉप शेयरिंग दिखाई देगा। जैसे ही आप स्टॉप शेयरिंग पे क्लिक कर देंगे, क्लिक करते ही क्या होगा, आपकी जो लाइव लोकेशन है वो शेयर होना बंद हो जाएगी। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय एंड टेक।